हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास वन का मैरीगोल्ड बुक से आफ्टर अ बर्थ पोएम पढ़ेंगे। आफ्टर मतलब होता है के बाद या बाद में, ओके? और बर्थ मतलब होता है नहाना। इस तरह से इसका मीनिंग हो जाएगा नहाने के बाद, ओके? बच्चों, इस पोएम पर एक छोटा सा बच्चा है जो नहाने के बाद अपने आप को कैसे पोछता है, अपने आप को किस तरह से सुखाने की कोशिश करता है, वो उस बात को इसमें उसने बताने की कोशिश की है। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए पोएम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आफ्टर अ बर्थ यानी नहाने के बाद। यहां पर आप देखिए, ये फोटो आप देख पा रहे हैं, बच्चा देखिए नहाने के बाद अपने आप को वाइप कर रहा है, अपने आप को पोछ रहा है, ठीक है? इस पोएम पर एक छोटा सा बच्चा है जैसा कि मैंने कहा। तो देखिए, बच्चा इस पोएम पर जो छोटा सा बच्चा है वो कहता है कि आफ्टर माई बर्थ आई ट्राई टू वाइप myself till I am dry. देखिए मीनिंग देख लीजिए, try मतलब होता है बच्चों कोशिश करना, और wipe मतलब होता है पोछना, ठीक है? आप नहाते हैं ना, नहाने के बाद टॉवल से अपने आप को पोछते हैं तो उसे wipe कहते हैं, okay? myself मतलब होता है अपने आप को, okay? dry मतलब होता है सुखाना। After my birth, I try to wipe myself. यानी नहाने के बाद, हाँ, मेरे नहाने के बाद, आफ्टर माय बर्थ यानी मेरे नहाने के बाद मैं अपने आप को पोछने की कोशिश करता हूं। ट्राई मतलब कोशिश करना और वाइप मतलब पोछना, यानी कि मैं मेरे नहाने के बाद मैं अपने आप को पोछने की कोशिश करता हूं जब तक कि मैं सूख नहीं जाता, ओके? आगे देखिए, हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोस एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज। देखिए, फिंगर्स उंगलियों को कहते हैं, है ना? उंगली, हाथ की उंगलियां जो है, यहां देखिए ये बच्चे है ना, बच्चे का आप देखिए ये उंगलियां, ठीक है? और टोज कहते हैं पैर के अंगूठे को या फिर पैर की उंगलियों को, ओके? वेट मतलब होता है बच्चों गीला, ठीक है? और लेग्स पैरों को कहते हैं, लेग मतलब होता है पैर, हाँ, वेट लेग यानी कि गीला पैर। आगे देखिए, यहाँ शाइनी नोज लिखा है ना, शाइनी नोज मतलब चमकीला नाक, नोज मतलब नाक होता है और शाइनी मतलब होता है चमकीला, ओके? तो बच्चा कहता है कि हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज, यानी हाथ को पोछते हैं, है ना? वाइप मतलब पोछना, तो हाथ को पोछते हैं और उंगलियों को पोछते हैं और पैर के अंगूठे को पोछते हैं या फिर पैर की उंगलियों को पोछते हैं और दो गीले पैरों को, यानी भीगे हुए पैरों पर, है ना? आगे देखिए, यहाँ एंड अ शाइनी नोज, और अपने चमकीले नाक को, है ना? नहाने के बाद सबसे ज्यादा चमकता क्या चीज है ना? नाक चमकता है ना, इसीलिए बच्चे ने अपने नाक को चमकीला कहा है, शाइनी नोज कहा है, ठीक है? समझ गए? आगे देखिए, जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक इफ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक शेक शेक। देखिए, शेक मतलब होता है बच्चों हिलाना। आपने देखा होगा जब किसी डॉगी को, है ना, डॉग को नहलाने के बाद उसको जब पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो अपने आप को क्या करता है, शेक करता है, हिलाता है ना, तो उसे ही शेक कहते हैं, ओके? तो बच्चा इसमें कहता है कि जरा सोचो, जस्ट थिंक, है ना, जरा सोचो कि अगर मैं एक कुत्ता होता, देखिए इफ आई वर अ डॉग ना, तो जरा सोचो कि अगर मैं एक कुत्ता होता अपने आप को क्या करता, शेक कर लेता यानी कि हिला देता, तो जरा सोचो कि मुझे कितना टाइम लगता, यानी कि कितना टाइम लेता। बच्चे का कहने का मतलब यह है कि कहता है कि देखिए कि जरा सोचो, जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक इफ आई वर अ डॉग, है ना, एंड कुड शेक शेक शेक, यानी कि कहता है कि जरा सोचो कि अगर मैं एक कुत्ता होता और अपने आप को जो है शेक कर लेता यानी अपने आप को हिला देता इसे, तो जरा सोचो कि मुझे कितना कम टाइम लगता, है ना, कितना कम टाइम। समझ गए? इसी के साथ ये पोएम खत्म होता है बच्चों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर अभी तक आपने बीएसजी गुमानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का इंग्लिश लेसन लाते रहता हूं। ओके, थैंक यू।